हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एक एचपी का लैपटॉप आया है जिसका मॉडल है एचपी पवेलियन DV6। DV6 दो सीरीज में आया हुआ है, ये एक 1000 सीरीज में आया जो पुराना मॉडल होता है, फिर उसके बाद DV6 2000 करके मॉडल आया है जिसका हम कहां पता करते हैं मॉडल नंबर, इसमें हम आपको दिखाएंगे। ये यहाँ पे बैटरी लगी होती है, मॉडल लिखा रहता है, कस्टमर मॉडल जो लिखा होता है DV6 6100, तो यहाँ पे लिखा रहता है 2000 भी, तो 2000 की सीरीज में होता है, 6000 सीरीज में होता है। तो इस प्रकार ये लैपटॉप आया हुआ है, तो हम इसमें बताते हैं कि हम इसकी बैटरी कैसे चेंज करते हैं। पहली बात, हम इसकी बैटरी नॉर्मल होता है, ये लॉक होता है, इसका लॉक निकाल के इसको बैटरी को बाहर निकाल लेते हैं, पहले केस हो गया। और दूसरा, हम इसको ऐसे के एज ए टीजी लगाएंगे और प्रेस कर देंगे, ये हमारी बैटरी लग गई है। दूसरा, हम आपको बताते हैं कि हम इसमें रैम कैसे चेंज करते हैं। रैम चेंज करने के लिए यहाँ पे ये कवर होता है, इस कवर को खोलने के लिए ये जो आप लॉक देख रहे हैं, इस लॉक को उल्टा प्रेस करेंगे बैटरी के लिए, तो हम इसको इधर प्रेस करते हैं कि हार्ड डिस्क या रैम चेंज करने के लिए हम इसको इधर प्रेस करेंगे, इधर प्रेस करेंगे तो ये हमारा लॉक बाहर निकल जाएगा और ये हमारा बाहर आ जाएगा। और फिर हम यहाँ पे इसमें जहाँ पे स्लॉट हमें खाली दिख रहा है तो हम इसकी रैम एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पे रैम लगा देंगे। तो ये बहुत ही इजी स्टेप होता है DV6 लैपटॉप में, DV6 6000 2000 जो सीरीज होती है उनमें ये बहुत इजी लगाना होता है रैम, और आपका रैम हार्ड डिस्क और बैटरी वगैरह यदि आपको चेंज करनी है। तो इस प्रकार कोई भी लैपटॉप हो, आपकी पुराने लैपटॉप में रैम या SSD लगवानी हो या बैटरी चेंज करनी हो, तो आप सूरज कंप्यूटर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आप हमारे वीडियोज को लाइक करें, चैनल को, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसको पैक कर दे रहे हैं लगा के, और हम इसको फिर चेक करते हैं। ये बैटरी का हमने आपको बताया था, नॉर्मल होता है, बहुत ही प्यार से लग जाती है। ये हमने मशीन ऑन किया रैम लगा के, अब हमारी मशीन ऑन हो गई है, हमने इसकी रैम अपग्रेड करी है, बैटरी हमने चेंज नहीं करी, पर हमने आपको बताया कि हम बैटरी कैसे चेंज कर सकते हैं। यदि आपको घर पे चेंज करनी है तो आप घर पे भी चेंज कर सकते हैं। तो ये DV6 का लैपटॉप था जो लेटेस्ट मॉडल है, इसमें दो मॉडल आए हुए हैं, हमने आपको पहले ही बताया। एक पुराना मॉडल होता है, बहुत ही पुराना, 10 साल पुराना है, ये 2014 या 13 के आसपास मशीन है, जो वो आता था वो पहले 10 के आसपास आता था। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें। धन्यवाद।